एक बार फिर से मोटिवेशनल स्टोरी धमाकेदार। चलते हैं स्टोरी की ओर। एक बार एक यात्री होता है जिसका सपना था हिमालय की चोटी तक चढ़ना, और एक दिन वो अपने सपने को पूरा करने में लग जाता है, पर कुछ देर बाद उसकी हिम्मत टूटने लगती है। उसे लगता है वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। तभी एक बुढ़े ज्ञानी आदमी को वहाँ से गुजरते हुए देखा, तो यात्री उनके पास जाता है और बोलता है, मैं हिमालय की चोटी तक पहुँचना चाहता हूँ, पर वह मैं अभी से थक गया हूँ। शायद मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं है जिससे मैं अपना सपना पूरा कर सकूँ। तभी वह बुढ़े ज्ञानी ने मुस्कराते हुए कहते हैं, तुम अभी से हार इसलिए गए मान रहे हो क्योंकि तुम गलती कर रहे हो। तुम इसलिए थक गए हो और निराश हो रहे हो क्योंकि तुम तब से सिर्फ हिमालय की चोटी पे कब पहुँच सके वही सोच रहे हो। वो कितना ज़्यादा दूर है अभी भी, और तुम्हें न जाने कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन्हीं चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान है। इन्होंने समझाया कि अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने अगले कदम पे लगाओ, उस एक ही कदम के बारे में सोचो और तुम रोको और अभी लगो। इस बात को ये यात्री कुछ देर तक सोचता रहा। इसके पीछे छुपे मतलब उसे समझ आ गया और वह अपना पूरा ध्यान एक एक कदम पे लगाने लगा, जिससे वो अंत में परिणाम ये हुआ कि वो हिमालय की चोटी तक पहुंच गया। वो अपने बिना हार माने अपने लक्ष्य और टारगेट पूरा कर लिया। दोस्तों, मैंने आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए कम से कम शब्दों में आपको स्टोरी समेटने का प्रयास किया। कोई आपको इस स्टोरी के बारे में सुझाव हो तो हमको कमेंट के माध्यम में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। और आपको मोटिवेशनल ऐसी स्टोरी चाहिए और देखनी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार मोटिवेशनल स्टोरी।